वो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। उसके एक इशारे पर चंबल के बिहड़ों के डाकू अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इतना ही नहीं, गांव के नौजवान भी केवल उसके इशारे का इंतजार करते रहते थे। लेकिन लोग उसे जितना पसंद करते थे उससे भी ज्यादा उससे खौफ खाते थे, क्योंकि वो सुंदरी कोई आम सुंदरी नहीं थी, बल्कि वो एक दस्यु सुंदरी थी जिसकी आंख का इशारा नौजवानों का दिल ले लेता था, तो उंगली का एक इशारा उनकी जान लेने की ताकत रखता था। हम बात कर रहे हैं अपने समय के चंबल के बिहड़ों की सबसे खूबसूरत दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता की। बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। हम आज की वीडियो में खूबसूरती और खौफ की ये पूरी कहानी लेकर आए हैं। महिला डकैत नीलम गुप्ता की कहानी शुरू करें, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि चंबल के बिहड़ों में यूं तो अनेकों डाकू हुए हैं, एक से बढ़कर एक खूंखार खतरनाक डकैत, लेकिन ये सभी डकैत किसी न किसी रूप में अपनी एक परंपरा का पालन करते रहे हैं। ज्यादातर डाकुओं ने महिला और राजनीति से एक दूरी बनाकर रखी, लेकिन इन्हीं चंबल के बिहड़ों में निर्भय सिंह गुर्जर नाम का एक ऐसा भी डकैत हुआ है जिसने डाकुओं की परंपरा से अलग हटकर कुछ अलग किया है। उसके गैंग में खूबसूरत लड़कियां भर्ती की जाती थी, वो हमेशा इन्हीं लड़कियों से घिरा रहता था। निर्भय सिंह गुर्जर का खौफ इतना था कि आसपास के 200 गांवों में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ये वही तय करता था कि कब कहां से कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। जिसे निर्भय सिंह गुर्जर तय कर देता था, उसे बदलने का दम किसी में नहीं था, क्योंकि उसे बदलने का सीधा सीधा मतलब था निर्भय सिंह गुर्जर को चुनौती देना, और जो निर्भय सिंह गुर्जर के खौफ को चुनौती देता था वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सरैया गाँव में नीलम गुप्ता का जन्म हुआ। नीलम गुप्ता के परिवार में 3 बहनें और 2 भाई थे। दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता ने अपनी पूरी कहानी एक समाचार पत्र में इंटरव्यू के दौरान बताई। उसने बताया कि जब वो 6वीं कक्षा में पढ़ती थी उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष रही होगी। वो साल था 2001। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी तब उसके पास एक कार आकर रुकी। कार में बैठे आदमी ने नीलम को पास में बुलाया और उससे मंदिर का रास्ता पूछने लगा। नीलम मंदिर का रास्ता बताने के लिए जैसे ही एक तरफ मुड़ी, वैसे ही कार से उतरते हुए एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। जब नीलम की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। उसने देखा कि उसके चारों तरफ बंदूकधारी खड़े हुए हैं और वो सभी शराब पी रहे हैं। नीलम उन्हें देखकर बड़ा जोर जोर से रो रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने उसे जोर से डांटकर चुप हो जाने के लिए कहा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र में खौफ का पर्याय बन चुका डकैत निर्भय सिंह गुर्जर था। निर्भय गुर्जर के द्वारा डांटे जाने पर नीलम चुप हो गई। वहां से सारे डकैत एक एक करके चले गए, केवल निर्भय सिंह गुर्जर ही वहां मौजूद रहा। अपनी आपबीती बताते हुए आगे कहती हैं कि निर्भय सिंह गुर्जर ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। उसने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की और ये सिलसिला लगातार 3 महीने तक चलता रहा। नीलम बताती है कि इस बीच उसने जंगल के रास्ते से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो जिस तरफ से भी भागने की कोशिश करती निर्भय के आदमी वहाँ मौजूद रहते और उसे थक हार कर वापस आना पड़ता। इस बीच गैंग के कई और सदस्य ऐसे थे जो नीलम पर बुरी नजर रखते थे। वो केवल एक ऐसे मौके की तलाश रखते थे जब वो नीलम के साथ सब कुछ कर गुजरना चाहते थे, जो निर्भय सिंह गुर्जर उसके साथ लगातार कर रहा था। जब निर्भय गुर्जर को इस बात का एहसास हुआ तो उसने गैंग के सदस्यों के सामने ही नीलम की मांग में सिंदूर भर दिया और उससे शादी कर ली। निर्भय गुर्जर से शादी हो जाने के बाद नीलम गुप्ता रुतबा और रॉब गैंग में दूसरे नंबर का हो गया। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो नीलम की तरफ बुरी नजर से देख सके। निर्भय गुर्जर के बारे में गैंग के सदस्य और भी कई खुलासे करते रहते थे। नीलम को उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन अब नीलम को निर्भय गुर्जर के अलावा किसी और से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो गैंग के सरदार की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी नीलम वहां से भागने की फिराक में थी। वो केवल ये जानना चाहती थी कि आखिर उस जगह से हाईवे कितनी दूर है और उसका रास्ता क्या है। आखिरकार एक दिन जब निर्भय सिंह गुर्जर अपने कुछ साथियों के साथ अड्डे से बाहर गया हुआ था, तब नीलम गुप्ता ने वहां से निकलने का फैसला किया और वो जंगल का एक रास्ता पकड़कर लगातार उसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, पर उसे हाईवे कहीं नजर नहीं आया, ना ही दूर दूर तक कहीं कोई रिहाइश या बस्ती नजर आई। वो अपनी जगह से काफी दूर आ गई थी। जब निर्भय सिंह गुर्जर वापस अपने अड्डे पर पहुंचा और उसने नीलम को वहां नहीं देखा तो उसने अपने आदमियों को नीलम को ढूंढने के लिए भेजा। थोड़े समय बाद नीलम पकड़ ली गई। उसे वापस अड्डे पर लाया गया। नीलम को निर्भय सिंह गुर्जर के सामने लाकर रख दिया गया। नीलम बताती है कि उस दिन निर्भय सिंह गुर्जर उस पर ना केवल काफी नाराज हुआ, बल्कि उसके साथ बात काफी क्रूर तरीके से पेश आया
और उसके साथ मारपीट भी की। आगे से नीलम को सजा के तौर पर पहरे पर रखा गया। अब उसे दूसरे डाकुओं की तरह पहरा भी देना होता था। नीलम बताती है कि गैंग के सदस्यों ने उसे बताया कि निर्भय सिंह गुर्जर काफी अय्याश किस्म का आदमी है। उसे हमेशा अपनी हवस मिटाने के लिए नई नई और कम उम्र की लड़कियों की तलाश रहती है। नीलम के मन में निर्भय सिंह गुर्जर को लेकर काफी गुस्सा था, क्योंकि बहुत ही छोटी सी उम्र में ही निर्भय सिंह गुर्जर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। निर्भय सिंह गुर्जर नीलम के पिता की उम्र का था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी उम्र का लिहाज न रखते हुए नीलम गुप्ता के साथ संबंध बनाए और उसके साथ अपनी हवस पूरी की। धीरे धीरे नीलम को ये बात पता चली कि निर्भय सिंह गुर्जर औरतों के मामले में बहुत ही घटिया मानसिकता का आदमी है। नीलम से पहले भी कई लड़कियां और औरतें उसके अड्डे पर लाई जा चुकी हैं। मुन्नी पांडे पार्वती भी एक ऐसी ही लड़की थी जो निर्भय सिंह गुर्जर के लिए उठाकर लाई गई। लोगों का ये भी कहना था कि निर्भय सिंह गुर्जर इतना घटिया और गंदा आदमी था कि उसने अपने बेटे श्याम जाटव की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी का नाम सरला जाटव था और सरला जाटव के साथ भी निर्भय सिंह गुर्जर ने अपनी हवस को पूरा किया। निर्भय सिंह गुर्जर जब कभी भी किसी वारदात के लिए जाता था, अपहरण लूट या डकैती के लिए जाता था, तो वो नए डकैतों को साथ लेकर नहीं जाता था। इसके लिए उसके पास अपनी जो टीम थी वो उन्हीं के साथ वारदात किया करता था। नीलम गुप्ता को तो वो विशेष रूप से संदेह की नजर से देखता था, क्योंकि वो जानता था कि नीलम गुप्ता ने कई बार उसके गैंग से छूटकर भागने की कोशिश की। आगे चलकर नीलम गुप्ता ने इसी एटमॉस्फेयर को अपनी किस्मत मान लिया और इसी में एडजस्ट हो गई। अब उसे चंबल के बीहड़ रास आने लगे। अब उसकी सोच भी डाकुओं की तरह हो गई और हत्या लूट डकैती जैसी वारदात पर वो फोकस करने लगी। निर्भय गुर्जर के साथ रहकर वो इस तरह की वारदातों में शामिल होने लगी। नीलम गुप्ता अब निर्भय की अनुपस्थिति में गैंग को लीड करने लगी। डाकू उसके इशारे पर चलने लगे। निर्भय सिंह गुर्जर के हिसाब से सब ठीक चल रहा था, लेकिन नीलम गुप्ता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसे निर्भय की अय्याशी और लड़कीबाजी वाली हरकतें पसंद नहीं आई। एक बार उसका इस बात को लेकर निर्भय गुर्जर से अच्छा खासा झगड़ा भी हो गया। इसके बाद वो इस पूरे गैंग से नाराज रहने लगी और यहाँ से छुटकारा पाने का ख्याल खोजने लगी। इसके बाद नीलम गुप्ता को गैंग के ही एक ऐसे आदमी का सहारा मिला जो निर्भय गुर्जर का काफी करीबी था। वो कोई और नहीं, निर्भय गुर्जर का एडॉप्टेड बेटा श्याम जाटव था। उसने नीलम गुप्ता से कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नीलम गुप्ता को तो यही चाहिए था, श्याम को रास्ता भी मालूम था। दोनों एक साथ भाग निकले और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 31 जुलाई 2004 को नीलम और श्याम जाटव ने कोर्ट में सरेंडर किया। नीलम को लखनऊ के नारी निकेतन भेज दिया गया और इसके बाद 2017 में नीलम वहां से छूटकर बाहर आई। उसने राजनीति में जाने की घोषणा की। नीलम आज भी राजनीति में पांव जमाने की कोशिश कर रही है। ये थी दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता की पूरी कहानी। अब आप नीलम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।